आ रहा हूँ आ रहा हूँ। दाग नहीं लगाने कपड़ों को, पकड़ो पानी पकड़ो। अभी वीडियो, हाँ अभी 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 मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सिर पे मैंने चुन्नी ले ली थी, शाम का टाइम है ना, बड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही थी मेरे को। और क्या कह रही थी मैं, भाई ने आरव के लिए ना थोड़े बहुत कपड़े भेजे थे, दो जैकेट्स भेजी थी और बहुत टाइम से भेजी हुई है उसने। एक तो थोड़ा सा बड़ा साइज है वो मैंने उससे, अरे तुमने आवाज़ क्यों बढ़ा ली? इसकी बड़ी गंदी पुरानी आदत है, देखिएगा ना मम्मी बोल रही तो मैं और तेज कर लूँ। अरे तुमको देखना चाहिए, मम्मी बोल रही तो और कम कर लूँ, बोल रही तो उसको बोलने दो। एनीवेज मैं बाहर आ जाती हूँ। तो भाई ने जैकेट ऑर्डर प्लेस, भाई ने जैकेट भेजी थी, एक तो थोड़ी बड़ी सी है, मैंने उसको बोला था बड़ा ही साइज बोला था। मैंने बोला अभी इतना मौसम जा रही है ना ठंड, तो कितना बच्चा डाल लेगा। और थी भी जैकेट इतनी प्राइसी, 3500 की एक जैकेट। तो मैंने बोला अरे भाई थोड़ा बड़ा साइज ही भेजना तुम। मिंत्रा से ही उसने भेजे हैं, एक शूज़ है प्यूमा का, एक प्यूमा का सैंडल है, एक और सैंडल है। तो 5 प्रोडक्ट्स वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाती हूँ। भाई थैंक यू सो मच आरव के लिए प्रोडक्ट भेजने के लिए, गिफ्ट भेजने के लिए, बड़ा खुश हो जाता है। मेरे मामू ने भेजा, आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। अभी क्या सीन है, अभी अब YouTube के लिए एक वीडियो मैं शॉर्ट एडिट करके आई हूँ चैनल के ऊपर, मेन चैनल पे डल गया है। कल हम लोग मूवी देखने गए थे, पठान मूवी। तो पठान मूवी बहुत 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 अच्छी है, ज़रूर आप जाके देखो। प्लस यार शाहरुख खान की पिक्चर है, देखनी तो चाहिए। गुड लाइटनिंग। अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद रात को हम यहीं पर रुक गए थे नए वाले घर में। अभी हम निकलेंगे यहां से क्योंकि कल आरव का मैथ का पेपर है। और चलो चाय बनाते हैं, वीडियो वो भी शूट करूँगी एंड थोड़ा बहुत जो भी सामान इधर का। मेरा मन था मैं इधर एक मेकअप लुक कर लूँ। कल का क्या हो ना, मैंने मेकअप जो किया था ना पर्पल आई शेडो में और वो कोट ब्लेजर वगैरह डाल के, वो सब की डिटेल्स मैं आपको यूट्यूब के शॉर्ट में, इंस्टाग्राम की रील में मैं आपको अपलोड कर दूंगी। ब्लेजर कहाँ से था, लेगिंग कहाँ से थी, अंदर की टॉप कहाँ से थी, एवरीथिंग, बैग कौन सा था, मैं आपको सब कुछ अपलोड कर दूंगी यहाँ पे। आज मैंने सुबह से इसलिए नहीं अपलोड किया क्योंकि इधर ना यार जो मैंने वाईफाई लगवाया ना उसके ऊपर ना कबूतर आके बैठ जाता है, वो बार बार आके ना हिला देता है। तो वाईफाई भी इधर मेरे इधर का ख़राब हुआ पड़ा है, तो फ़ोन के नेट से मुझे लगा मैं एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों डालूँ, मैं घर जाके अब डालती हूँ। इधर फ़ोन के नेट का ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने अमेजोन से ना 1000 रुपये के 2 घर मंगवाए हैं, मानोगे 500-500 रुपये के कबूतर के घर, पिजन हाउस, उसको वहाँ पे हम इंस्टॉल करवा देंगे अपने उसके पास, वाईफाई के पास जो अडेप्टर होता है वहाँ पे, ताकि हम वो हमारी तार के ऊपर और कैमरे के ऊपर जो हमारा कैमरा लगा घर के बाहर उसके ऊपर आके कबूतर बैठ जाता है, ताकि वो वहाँ पे ना बैठे और अपने घर में बैठा रहे। तो ऑर्डर प्लेस किया है मैंने, वो देखती हूँ मैं थोड़े दिन में ना, अब आर के पेपर ख़त्म हो जाए, अब 10 दिन की बात है, फिर मैं ये काम करवा दूँगी। चलो जी वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी वाईफाई वाली। और क्या बस यार अभी 10-12 दिन इसके पेपर चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, उसी में मैं बिज़ी रहूँगी। अर्बेनिक से मैंने डब्बा मंगवाया हुआ है कपड़ों का, वो मैं शूट ही नहीं कर पाई कल। हाँ मैं ये बोल रही थी कि कल जो मैंने मेकअप लुक किया था ना जल्दी जल्दी में, कि मैं मेकअप लुक कर लेती हूँ बाहर जाते समय, मानोगे उसकी फुटेज इतनी बेकार आई, लाइटनिंग बड़ी ब्लर थी, मैं फ़ोन का कैमरा एंगल मैंने ढंग से फ़ोन नहीं रखा हुआ था, इट वॉज़ लाइक टेढ़ा मेढ़ा सा, एंड मैं पूरी वीडियो में हड़बड़ हड़बड़ में लग रही थी। घर आके मैंने सारी फुटेज डिलीट कर दी वो गली जो मैंने मेकअप लुक करके शूट किया था, क्योंकि ना यार अब से मैंने एक चीज़ नोटिस की, या तो बाहर चले जाओ या तो लुक शूट कर लो अपना, गेट रेडी विथ मी, दोनों चीज़ें साथ में तभी आप करो, इफ़ यू हैव अनलेस अगर आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम है तो। अब तुम्हारे पास टाइम ही इतना होता है 5 मिनट का, उसमें तुम चाहोगे कि तुम शूट भी कर लो ये भी कर लो, तो उसमें फिर किचकिच होती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्लिप भी अच्छी नहीं आए, रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। कोई बात नहीं, गलती करके इंसान सीखता है। घर आके मैंने सारी फुटेज डिलीट की, इतनी वाइट नज़र आ रही थी एकदम, ऐसे जैसे ब्राइटनेस फुल की हुई है, ब्राइटनेस फुल नहीं थी,
आई थिंक ना मेरी रिंग लाइट बहुत नजदीक लगी हुई थी। रिंग लाइट में थोड़ा स्पेस दूर करके लगाती हूँ ना, तो वो कल ऐसे था कि रिंग लाइट मैंने ऑन की और मैं हड़बड़ में वहीं पे ही छोड़ के रिंग लाइट बैठ गई। अगर मैं रिंग लाइट थोड़ा स्पेस पे रखती हूँ तो पूरे एरिया में थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, यानी कि फिर मेरे मुंह पे आके ब्राइटनेस लगे। रिंग लाइट की ब्लेसिंग भी बहुत देखनी पड़ती है। धीरे धीरे कर करके सीख गए। बातें करते करते चलो यार चाय बनाती हूँ और फिर उसके बाद आरब के कपड़े दिखाऊंगी और इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे। कल जो मूवी वाला ब्लॉग था ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा बहुत शूट किया मैंने, थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम की रील्स बीच में बना ली। रील्स क्या बना ली, लंबे एंगल से वीडियो शूट कर लेते हैं, उसको गाना लगा के इंस्टाग्राम में डाल देते हैं और क्या। बात करूँ पठान मूवी की तो आई लव इट लव इट लव इट, बहुत मजा आया। लेकिन मूवी में बड़ी मार धाड़ थी, ये वो डिश उठा जाओ ये वो बड़ा कुछ था। 2 मिनट के लिए मुझे लगी यार मैं यहाँ पे क्यों आ गई, इतनी लड़ाई वाली मूवी देखने वैसे देखी नहीं जाती इतना वैसी वाली मूवीज ना। बट आई वॉज लाइक कि नहीं यार शाहरुख खान की पिक्चर आई है, 4 साल बाद जरूर जानी है, मेरे को जानी थी जानी थी। बट वी इंजॉयड द मूवी, अच्छी लगी। और आज मैंने यहाँ पे खाना नहीं बनवाया बनाया था क्योंकि तो मैंने ये मंगवा ली थी बसंत से ना, बसंत डुगरी से दाल मखनी और बिरयानी मंगवा ली थी, वेज बिरयानी। क्या मस्त टेस्टी वाली बनती है यार ये बसंत से। ट्राई करना कभी इनकी दाल मखनी और इनकी वेज बिरयानी, बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी। दोनों का कॉम्बिनेशन इज लाइक सो गुड। चलो अब चलो यार चाय बनाते। खाने पीने का सामान देख लो कैसे ठूस ठूस के भर रहा हूँ। इनको कुछ बिस्किट देना था, क्या दो। He will have this jim jam and he will have this pati dev yahi na aur to kuch nahi. Chalo theek hai have it pati. So ke uthe hain abhi, nahi वैसे ही शाम को थोड़ी देर लेट गए थे। एक्चुअली ये सुबह सुबह उठे चले गए, इनकी मीटिंग थी आज उसके संडे को। हाँ उसके बाद फिर आज संडे है बाय द वे, हम सैटरडे को मूवी देखने गए थे, उसके बाद फिर हम रात को यहीं पर रुके थे। अब ये सुबह सुबह चले गए, फिर जब आए अभी थोड़ी देर 5:30 बजे आए, तो थोड़ा सा खा पी के ही आए थे तो सो गए अभी। अभी मेरे साथ में चाय बनाते हैं फिर उसके बाद फिर हम घर चलते हैं। चलो स्टॉल ली हुई थी मैंने सिर पे, तो स्टॉल ना थोड़ी गर्मी गर्मी लग रही थी, फिर मैंने ढूंढा कि मेरे को कुछ चुन्नी वगैरह कुछ मिल जाए कॉटन की हो, लेकिन मेरे को ना आदत होती है ठंड में ना थोड़ा कवर करके रखने की, अदरवाइज मेरा सिर ऐसा ही है। कौन कौन यार पूरी ठंड में अपने बालों को कवर करके रखता है, लाइक यार मेरे को होती है, मेरे को ठंड लग जाए ना तो फिर हेडेक्स होने लग जाता है। एनीवेज चलो जी हम फटाफट अपनी चाय बनाते हैं, बाय। ਵੱਡੀ ਬੱਤੀ ਚਲਾ ਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਐ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਐ ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਚਾਵਲ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਰਬ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਹੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਥੀ ਐਂਡ ਅਰਬ ਮੁਝੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਡਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੂੰ ठीक है ट्राई कर पैजूगे। इसको मैंने ऊपर नीचे जीन डलवा दी और ऊपर मैंने अभी स्वेटर डलवाए जो हम कल मूवी देखने गए थे ना वही, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और क्योंकि ना मेरे बोले एक बार जैकेट ट्राई ऑन कर देना तो अच्छा लगेगा, घर वालों के कपड़ों में मैं ट्राई ऑन करूँ। ये है हमारी बिरयानी और ये है दाल। पता नहीं क्यों भूख लग रही थी और कुछ मेरा बिस्किट नमकीन टाइप कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने सोचा थोड़ी सी यही खा लेती चाय के साथ। 8 बज गए वैसे भी रात। हाँ ठीक है कल डाल के गया था ना, चलो अंदर चल मैं दिखाती हूँ। चलो
रुक। ये एक जैकेट है गाइस, जो भाई ने भेजी है फ्रॉम द ब्रांड चेरी क्रम्बल। जैकेट का प्राइस है 4, ये एक तो देख लो, ये ब्रांड है, मिंत्रा पे आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डाल दूंगी। 4,299 रुपीज़ प्राइस है, बट ये डिस्काउंट के ऊपर आई थिंक 3,500 की थी। ठीक है जी, चलो। दो साइड आपको, अब आप सोचोगे इतनी महंगी जैकेट है तो फिर मतलब वर्थ ही है कि नहीं है। बिल्कुल वर्थ ही है, टेल यू। ये ना दोनों तरफ डल जाएगी। पहले मुझे भी लगा कि इतनी महंगी जैकेट है, बट ये एक इस तरफ भी डाल सकते हो आप, इस तरफ भी। इनकेस अगर आप कोई वेकेशन पे जाते हो बच्चे को लेके, तो पहले आपने ये वाला हिस्सा डाल दिया, बाद में आपने ये वाला हिस्सा डाल दिया, तो आपकी दो जैकेट्स हो जाएंगे। आपको दो दो जैकेट्स को अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से आप देख रहे हो जरा, ये फर देख रहे हो, मतलब एक सेकेंड ये देखो आप, इतना मोटा, इतना मोटा है यार। इतनी मोटी वाली लेयर है ना, पूरी कैप पे आपको मिल जाएगा। घूम के दिखा बेटा, ये देखो जरा। मैंने ये ना थोड़ा सा बड़ा साइज मंगवाया था, वो इसलिए ताकि अगले साल भी आराम से आराम डाले। आई थिंक अगले 2 साल ये बहुत आराम से इसको डाल सकता है, इतनी महंगी। ठीक है, इतनी महंगी चीज है, कम से कम उसको हंडा थोड़ा सा यू डाले तो सही। उसके बाद फिर पॉकेट है इसमें, इस साइड वाले में भी पॉकेट है। ठीक है जी, और इधर पॉकेट, ये छोड़ो, ये अभी पलट के दिखाते हैं इसको, अब उतारो। रुको 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 रुको, इंस्टाग्राम की रील बना दे दो। ओके जी, अब जैकेट का ये जो हिस्सा है, ठीक है, आपने देख लिया, जिप हमारी दोनों तरफ बंद हो जाएगी। अभी आराम ने ढंग से नहीं डाल ली, तो ये अंदर चला जाता है सारा कुछ। ठीक है यार, सब आपका अंदर चला जाएगा ऐसे, ये दिखेगा नहीं ऊपर से। ठीक है, बाकी आई थिंक थोड़ा थोड़ा दिखेगा। चलो, ये आपकी कैप है ग्रीन कलर में, ये ना कलर ब्लॉक वाली जो होती है ना जैकेट। ढंग से डालो कैप, आ रहा ढंग से डालो। हाँ वैसे है, जिप आपकी दोनों तरफ से बंद हो जाएगी। लेमन लेमनी येलो सा कलर है, ग्रीन कलर है, स्काई ब्लू है, ग्रे है, बहुत अच्छा वाला कलर है। बस दिखा दो, ये दोनों तरफ से रोटेट हो जाती है, जिप दोनों तरफ से रोटेट हो जाती है। आप अंदर से इधर से डालना चाहोगे, बंद करना चाहोगे तो भी बंद हो जाएगी, इधर से बंद करना हो जाएगी। मतलब आई फील लाइक कि बहुत यूनिक सी चीज थी, आर के पास ऐसी कोई भी जैकेट नहीं थी जो दोनों तरफ हम डाल सके। घूम जाओ यार, घूम के दिखाओ। हाँ मैं पीछे से टर्न करूँ, तुम टर्न ही नहीं कर रहे। ठीक है जी, पीछे से कुछ ऐसी है, परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसे लगे यार? बहुत बहुत अच्छी। मामू को बोले थैंक यू। थैंक यू मामू। चलो अब इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं। इस भाई ने ये प्यूमा के शूज भी भेजे हैं आरव के लिए, जो सॉरी यार दिखाने से पहले इतने गंदे कर दिए तुमने। कल एक्चुअली ये गया था ना मूवी, तो डाल के गया था, आज भी सारा दिन डाल के बैठा रहा, बाहर खेलता रहा। तो ये आप देख सकते हो, अच्छे कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल हैं शूज। हाँ बहुत ना, तभी तो मैंने इसको बोला मैं कि डालो, ये ना हो कि छोटे ही हो जाए, इतने प्राइसी से शूज ले लो उसके बाद फिर छोटे छोटे से हो जाए, उसका भी क्या फायदा। तो चलो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। पीछे जा, पीछे 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 पीछे, एकदम पीछे पीछे जा, पीछे मार खाएंगे फिर मैं तो, एकदम सीधा होके पीछे जा। ये गाइस एक और जैकेट है जो भाई ने भेजी है फ्रॉम द सेम ब्रांड चेरी क्रम्बल, और मत हिलाओ बेटा मत हिलाओ। ठीक है, ये कोई ब्रांड ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये 4,099 रुपीज के, तो वही 3,500 रुपए की मिलेगी। कोई डिस्काउंट चल रहा था मिंत्रा पे, एंड ये थोड़ी सी पतली है ना, ये उससे थोड़ी सी 19-20 का फर्क है। वो बहुत मोटी है, वो बोली तो बहुत ही ज्यादा मोटी है, बट दिस लुक वेरी प्रिटी। ब्लू है ये, ब्लैक नहीं है, ये ब्लू है और साथ में चेक वाला ब्लू है और व्हाइट है, ये तीन का कॉम्बिनेशन है। चेक चेक में अच्छी लग रही है। हाँ घूमना जरा, घूमो घूमो। कैप है इसके साथ, डालो। ठीक है, पॉकेट में हाथ डाल के दिखाओ बेटा, है पॉकेट है। घूम जाओ, अब घूम गया। ठीक है जी, और अच्छी लग रही है। चलो मैं कोई इंस्टाग्राम रील बनाने दो। इधर से आता, चलो दांत देख रहे हैं इसके, इसका पता लग जाए ना फोन ऑन है तो एकदम घबरा जाता है, वैसे इसकी बहुत मस्ती करता है। अच्छा जी, ये है गाइस, इसको पलट के, 1,000 के शूज है ये। डायलॉग मारो तुम, और कुछ नहीं है, सुन सुन के डायलॉग मारो। ये देख ही रहे हो गाइस, अब कितना मोटा है ये, है ना।
सारा है ये पूरा अंदर से ये पूरा ऐसा ही था, और साथ में आपको ये कैप भी मिल जाएगी, तालो कैप। वही वाली बहुत सोना लग रहा है कलर वाली है, और उसका वो डिजाइन है वो पलट के डबल साइडेड, पता है इनको देख तो रहे हैं वीडियो, इनको पता ही है। पॉकेट है इसमें, इस साइड है पॉकेट। चलो बहुत सोना लग रही है, कलर भी अच्छा लग रहा है, लेमनी येलो सा ना। अरे कोई बात नहीं, तो मशीन नहीं है क्या घर पे? घूम के दिखा, घूम जा घूम जा, घूम के दिखा। हाँ बढ़िया लग रही है। ओके गाइज, ये नेक्स्ट सैंडल है जो भाई ने मंगवाए हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो बस अभी कौन सा डालने वाला, अभी 2-3 महीने के बाद ही सैंडल डलेंगे इसके, अप्रैल से है ना, फेब और मार्च तो पूरा अभी शूज ही डलेंगे। तो ये प्यूमा के हैं, और क्या लिखा है यहाँ पे कुछ, चलो ठीक है जी, लिंक मैं आपको डाल दूंगी। वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, देखने में भी सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो ये क्या देखना था इसमें, मार्स देखी, टक 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 नहीं करता ये बता रहा तू? नहीं, ची 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 ची, ची, ची क्या वो, अच्छा वो अलग से होते हैं, पर टक 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 वाली आवाज नहीं होती जो नकली सी अजीब सी, टक 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 वैसा नहीं है कुछ भी, नहीं है ना। वो तो ची इसलिए कर रहा था ना, थोड़ा टाइल वैसी है ना, थोड़ी सी शाइनिंग वाली, इस वजह से। तो गाइस ये दोनों काम नहीं करना चाहते, देखिया दोनों एक दूसरे को छेड़ते रहते ना, मैं वहीं पे खड़ी रह जाती। ये गाइस उसके बाद फिर नेक्स्ट सैंडल ये भेजे हैं भाई ने, बहुत सुंदर लगा मुझे ये वाला भी कॉम्बिनेशन, दिखा रहा हूं घूम के दिखा, थोड़ा सा ब्लैक कलर में है, और घूम जा मट जा। हाँ ये देख लो साइड में कुछ ऐसा है, पूरे के ऊपर ऐसा प्रिंट किया हुआ है, यहाँ से हटाना अपना पैर, किधर से ऊपर करो पैर, ये पैर ऊपर करो, मतलब पूरे के ऊपर प्रिंट किया हुआ है यार। ठीक है कुछ इस तरह से सैंडल अच्छे लगे, ये वाले भी ब्लैक वाले भी है ना, डालो भी अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस यही था आज का व्लॉग, हम करते हैं टेक टू। ओके जी हम घर पहुंच गए, लास्ट यही पे हम ब्लॉग को एंड करते हैं। ये रहा हमारा आरव, आरव तुम्हारा कल मैथ का पेपर है तो उसकी तैयारी करनी शुरू करो, लेकिन उससे पहले एक पार्सल है जो हमने ओपन करना है, आरव के पापा के लिए कुछ मंगवाया है, तो चलो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बाय द वे नेक्स्ट ब्लॉग यहीं पे शुरू करते हैं, चलो बाय नेक्स्ट ब्लॉग।